नमस्कार, इस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम साथ में बाबा साहब की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में 128वीं जयंती है ये बन रही है यहाँ पर, और देख रहे हैं आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। बच्चे बेटा क्यों आए हुए यहाँ पर आप? बाबा साहब का बर्थडे मनाने आए हुए आप यहाँ पर आए हुए हैं? कहाँ से आए हैं? लेडीज लोगों का ग्रुप बनाया है, तो हर मंथ जैसे एक दूसरे से मिलने के लिए लेडीज लोग इकट्ठा हो जाए, तो एक छोटा सा कलेक्शन करते हैं हम लोग, जैसे किटी जैसा, ताकि कुछ बहाना मिले लेडीज लोगों को एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, तो सब लोग मिलते हैं मंथ में एक बार, और इसका कुछ परसेंट डोनेशन हम इस ग्रुप को देते हैं। और इस ग्रुप में ज्यादातर जो डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की है, बुद्धिज्म के बारे में हम बुद्धा इंग्लिश धम्मा पढ़ते हैं, महिलाओं को, उसके साथ बच्चे भी आते हैं, तो जैसे महिलाओं को बुलाते हैं तो बच्चे हमेशा साथ में आते हैं, तो दिल्ली में आने के बाद लोगों को हमारे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ी कम जानकारी होती है, तो जब ये लोग हमेशा आते हैं बच्चे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आया, कैसा है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें डालने के लिए, जागरूकता दिलाने के लिए महिलाओं के अंदर बच्चों के। जी, मैं पहली बार आई हूँ इस प्रोग्राम में। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अम्बेडकर के बारे में और कुछ जानकारी मिल गई है, अच्छा लग रहा है, और कुछ जानकारी मिलेगी इसकी आशा है। अभी देखती हूँ कुछ चेंज होगा लगता है लाइफ में। हाँ, जैसे अम्बेडकर का जो आदर्श है, उनका आदर्श थोड़ा सा लेना ही चाहिए। सर, ये जो अम्बेडकर जयंती है, हम इसलिए मनाते हैं यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रहे बाबा साहब के प्रति, उनको पता चले। किसी ने सिर्फ एक दलित नेता करके उनको उभारा है, लेकिन हम नहीं चाह, हमें ये लगता है कि ये दलितों के नेता नहीं है, ये समाज की हर महिलाओं के लिए उन्होंने जो कमिटमेंट करे है, उन्होंने संविधान में जो हक दिया है, ये हर महिलाओं के लिए है ये, और हर उस इंसान के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करता है। कौन से हक की बात करो महिलाओं के, स्पेशली आप क्या कहना? स्पेशली जैसे महिलाओं को अपने इसमें बराबर का हक था, उसमें अपने प्रॉपर्टी में, और जो भी सीसीएल है, जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे जो गवर्नमेंट में सेक्टर में काम करते हैं, उस महिलाओं को सीसीएल है ऐसे जो लागू किया है, तो वो एक असमानता के लिए बहुत अच्छा एक प्रावधान उन्होंने संविधान में दिया है, और उन्होंने जो कामगार संगठन जो की है, जो 14 घंटे की जो हमारा काम था उसको 8 घंटे का उन्होंने करा, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ भाई आगे के लिए। अम्बेडकर जी को राजनीति से जोड़ा जाए तो आप क्या कहना चाहोगे? राजनीति नहीं नहीं नहीं, अम्बेडकर जी को राजनीति से नहीं जोड़ा जाता है, ये एक महान वो सब उनके जो विचार है, उनको लगता है इसको हम आत्मसात करें, इसको लेके हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न इंडिया का जो स्ट्रक्चर बनाया, तो सबको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम भी अम्बेडकर को मानेंगे तो फिर लोग हमारे साथ आएंगे, इसलिए राजनीतिक लोग उनका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे कर्मदाता है। सबसे पहले तो सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुनीता कमल महिपालपुर से, मैं यहाँ सुजाता जी ने मुझे स्पेशली कॉल किया, बड़ा अच्छा लगा, और सुजाता जी ऑल इंडिया सिजर फाउंडेशन और रमाई ग्रुप से हैं, और मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सुजाता जी के जितना भी ग्रुप वर्क है उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब ज़्यादातर देखते हैं सी एस आई या कुछ भी है अक्सर प्रोग्रामों में, रमाई ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है, रमाई ग्रुप ऑर्गेनाइज करने का हमारा मकसद यही था कि हम लोग दिल्ली में जो भी वर्किंग और हाउसवाइफ भी है उनको एकत्र लाके बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करें, तो हमें बहुत अच्छा एक हमने रमाई ग्रुप फाउंडेशन, हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो हमने इसके तहत महिलाओं को एक मंच पे लाना, बुद्ध विहार में हम लोग हर मंथ में एक बार मिलते हैं, उसमें हम लोग बुद्ध वंदना करते हैं, बुद्ध ने धम्मा पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग विपश्यना की भी वहाँ पे थोड़ा सी क्लास लेते हैं, और दिन भर ऐसे किसी व्यक्ति को बुला के उनके विचार हम प्रदान करते हैं, ऐसे काफ़ी सारी छोटी छोटी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, डोनेशन कैम्प करते हैं, मेडिकल कैम्प करते हैं, और
काफ़ी ऐसी चीज़ें हम लोग जो भी बीच में हमने स्वयं लेडीज़ रोजगार के लिए हमने तैयार किया था, काफ़ी लोगों को तैयार किया था रोजगार के लिए, महिला रोजगार के लिए हमने तैयार किया था कि घर में बैठी जो महिलाएं हैं उनको हम लोग घर में बैठे बैठे कैसे रोजगार प्रदान करें, तो वो भी हमने शुरुआत करी है। और ऐसे काफ़ी मैरिज ब्यूरो हमने शुरू करी है, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे बड़े हो जाते तो परेशान थे, तो हमने एक मैरिज ब्यूरो तैयार किया है, उसके तहत काफ़ी लड़के लड़कियों के हमें वो ऐसा रिश्ते आ रहे तो हम लोग अभी जुड़ भी गए काफ़ी सारे रिश्ते समाज, हाँ हर तरीके से हम लोग समाज को कैसी हेल्प करना है वैसे कोशिश करते हैं। जैसे यंग बच्चे होते हैं तो हाँ, उनको मार्गदर्शन चाहिए होता है कि आगे आगे हमें क्या करना चाहिए, टेंथ के बाद ट्वेल्थ के बाद में किस तरह से, इवन हमारे यहाँ जैसे हमारे समाज के कई लोग जो है यूपीएससी एमपीएससी करके बड़े बड़े पोस्ट पे है, तो उन लोगों को भी हम बुलाते हैं ताकि वो यंग बच्चों को कैसे किस तरह से मोटिवेट करें। और हम बुद्ध विहार में बैठे करते हैं, हमारा कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ एक महिलाओं को मिलके एक कोशिश की है कि इस चीज को आगे बढ़ाए ताकि दूर दूर तक लोगों को इसका फायदा पहुंचाने की ताकत करें। डॉक्टर अम्बेडकर टीचर सोसाइटी ने एक आयोजन किया जो यहाँ आए हुए हैं बाबा साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देने, तो हम उनसे कुछ बातचीत आपसे करवाते हैं, उन्होंने क्यों किया और कैसे किया। चाबी, मोबाइल फोन, पानी की बोतल आदि, तो कृपया अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा बनाए गए स्टॉल पर उसे जमा करा दें, ताकि आपको संसद भवन परिसर में प्रवेश करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आप सभी से विशेष अनुरोध है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, परिसर को स्वच्छ बनाए रखें ताकि किसी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, वातावरण इसी प्रकार सुंदर बना रहे, सभी के मन में बाबा साहब के प्रति वो श्रद्धा बनी रहे। कतार में खड़े हुए लोग शांति बनाए रखें, अपने पैसे पर्स वगैरह का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ अधिक होने पर असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाकर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने आसपास भी निगरानी करते रहें, अगर किसी को किसी प्रकार की शंका हो या सामाजिक तौर पर किसी प्रकार की शंका हो तो आसपास किसी भी सुरक्षा कर्मी से तत्काल इसकी सूचना दें। हमें शांति बनाए रखने में सहयोग दें। धन्यवाद।
अच्छा, अभी जैसे नवरात्र का टाइम चल रहा है तो आप बहुत ही जैसे समाज के लोग हैं वो मतलब नवरात्रि वगैरह कुछ इस तरीके की वो मना रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? वही मैं एक सोच रही थी कि जब नवरात्रि का शुरू होता है तो लोग 4 बजे से लाइन लगाते हैं, वो कुछ नहीं खाते उस समय भी लाइन में पूरा लगा पूरा। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो मिस्टर योगेंद्र जो खोड़ा से आए हैं उन्हें उनके परिजन यहाँ अम्बेडकर प्रतिष्ठान के काउंटर पे उनका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर योगेंद्र खोड़ा के अगर आसपास मेरी आवाज कहीं सुन रहे हो तो कृपया डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान के काउंटर पे आ जाएं, उनके परिजन उनका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। इसलिए शायद हम भगवानों के पास तो कुछ है ही नहीं है। नहीं 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 129वें जन्म दिवस पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान की ओर से सामान रखने की सुचारू व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु संसद भवन परिसर में बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हुए हैं, अभी अपने बनाए हुए काउंटर पर जमा करा दें ताकि उन्हें संसद भवन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सके, उन्हें जाने में कोई असुविधा ना हो। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बने रहें, शीघ्र ही उन्हें संसद भवन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में हमारे देश के माननीय सदस्यों द्वारा बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण अंदर बना हुआ है। फूलों की खुशबू चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर रही है। आज के इस बहुत सुरम्य वातावरण पर आप लोग को बाबा साहब के किए गए कार्यों को याद करने का दिन है। हम आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि इस पवित्र दिन को उसी हर्षोल्लास से आप मनाएं बाबा साहब के किए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।